खेत से पाइप नहीं निकालने को मना करना पड़ा किसान को महंगा, लाठी डंडों से मारपीट कर किया हाथ फ्रैक्चर। यह मामला मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के थाना लवकुश नगर पठा चौकी का है, जहां पीड़ित किसान मान सिंह खंगार के साथ वहां के दबंगों ने डंडों से मारपीट कर उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित किसान जब चौकी पहुंचा तो चौकी प्रभारी द्वारा दोनों पक्षों को बैठा लिया गया, जबकि फरियादी मान सिंह का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। चौकी के पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों का राजीनामा कर छोड़ दिया गया, लेकिन जब मान सिंह के बच्चों ने छतरपुर लेकर चेकअप करवाया तो उसका हाथ फ्रैक्चर निकला, तब से फरियादी छतरपुर में रह रहा है। जब पीड़ित को कुछ आराम लगा तो उसने एडिशनल एसपी को ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराया और एडिशनल साहब द्वारा उसे लवकुश नगर थाना पहुंचाया, जहां पर उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन दबंग की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित किसान बड़ा धरा सहमा हुआ है और उस पर दबंग लोग राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं और साथ ही गांव में देखने से हाथ पैर तोड़ने की धमकियां भी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत आज फरियादी द्वारा जिला एसपी छतरपुर को आवेदन देकर की गई। अब देखना है कि एसपी महोदय क्या कार्रवाई करते हैं और पीड़ित किसान जो अपने गांव जाकर खेती किसानी नहीं कर पा रहा है कब तक उसे न्याय दिलवाते हैं। आपका हाथ का फ्रैक्चर कैसे हुआ? उसने मारा है, अब हम बैठे तो उसने लठ मार दो। किसने? जी साजा ही ने। फिर हम कुछ नहीं, वो मार मूर के भाग गए। हम थोड़ी वो तो फेरत रहे, थोड़ी देर के बाद में हम आए गाँव, हमने चौकी पे सुना। अच्छा, चौकी वाले हमें आधे एक घंटा खाण बिठा रहे थे, वही में हमें लोहड़ी ले जा रही थी। अच्छा, खाने आओ लोकस नगर। अच्छा अच्छा, फिर हम उतना हाथ हम आप फोन पहुँचो, उन्हें हमें छोड़ दो, बोले अब जाइए। तभी तो हम तैयारी कर रहे थे लोकस नगर की थाने में। मतलब आप पिटे थे और आप ही को हम ही के चालान कर रहे थे, हम ही कुटी थी। अब एस पी साहब से क्या चाहते हो? अब एस पी साहब हमारी सुनवाई करें। आपका हाथ फ्रैक्चर कैसे हुआ? उसने मारू है दिशा जहीन ने। अच्छा, दिशा जहीन हम अपने खेत पे बैठी थी। हाँ। बुआन का उसने मारा है। अच्छा, फिर हमने वो कुल्हरिया थी, फिर हम लोग दौड़े, फिर उन्हें डंडा छोड़ कर भाग